नामांकन व्यवस्था आज से चालू हो रही है। क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? अब की बार बड़ा हाईटेक तरीके से प्रचार भी हो रहा है और हाईटेक तरीके से नामांकन भी हो रहा है, क्या सुरक्षा? ये नामांकन आज से शुरू हुआ सातवें फेज का। ये इस नामांकन के दौरान मैं पूरा सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए अभी आया था। पर्याप्त मात्रा में जो बैरियर्स लगी गई है कलेक्ट्रेट का चारों ओर, और जो पांच जो नामांकन केंद्र है कलेक्ट्रेट में, पांचों केंद्रों पर जो है पर्याप्त पुलिस बल तैनात की गई है और DFMD का भी डिप्लॉय किया गया है। DFMD के जरिया और HHMD के साथ जो है जो भी नामांकन करने जाएंगे उनका चेकिंग करा के फिर अंदर भेजा जाएगा। तो वाहनों के लिए पार्किंग का व्यवस्था अलग कर दी गई है, तो वहाँ से पार्किंग करके फिर कोई भी गाड़ी के साथ अंदर नहीं आएगा, वहाँ से फिर पैदल आना होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई। सिटी में भी जगह जगह पर चेकिंग के लिए कमिश्नर सर ने जो व्यवस्था कर दिया गया है, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सर कितने नामांकन कक्ष बनाए गए हैं? पांच नामांकन कक्ष बनी हुई है और पांचों में जो है वो फोर्स। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।